देश में कोरोना का कहर जारी है और देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,443 लगभग 46,500 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से खबर है कि पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई है। देश भर में मौत का आंकड़ा 1,568 पहुंच गया है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस से अब तक 12,727 लोग ठीक हुए हैं। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि तमाम कवायदे इस बीच लगातार जारी हैं और विदेशों में जो फंसे भारतीय हैं उनको भी जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से खबर अच्छी नहीं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 195 लोगों की मौत हुई है। 3900 एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है ये अब तक। 3900 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा आया है और इस तरह से कुल अब तक 46,443 मरीज पूरे देश में कोरोना के अब तक मिल चुके हैं। 32,138 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 195 मरीजों की मौत भी हुई है। तो ये है इस वक्त कोरोना से जुड़े अपडेट। हालांकि कुल मिलाकर अगर तस्वीर को देखा जाए तो उसमें एक अच्छी जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये कि कोरोना वायरस से अब तक 12,727 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये दावा है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर अब कर रहे हैं। चलिए अब इसमें लव अग्रवाल जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उनका क्या कहना है आइए सुन लेते हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में COVID-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। तो डेथ की संख्या में और जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसकी संख्या में अब तक का हाईएस्ट रेट सामने आया है पिछले 24 घंटे में। जैसा लव अग्रवाल बता रहे थे, हमने भी आपको बताया 3900 के लगभग जो हैं मरीज पॉजिटिव नजर आए हैं पिछले 24 घंटे में ही। 195 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अच्छी बात यह कि रिकवरी रेट भी उतना ही अच्छा है। लगभग 27% से ज्यादा, 27.4% हमारा रिकवरी रेट है, जो एक हेल्दी रिकवरी रेट है, एक अच्छा रिकवरी रेट है। यानी कि जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन या बाकी जो चीजों की जो कोशिशें की गई थी वो रंग ला रही है साथ ही साथ।